आज की रेसिपी है सरसों का साग, जो हमारे पंजाब और हरियाणा में बनता है उस टाइम में, बिना मिक्सी के। मक्की की रोटी, सरसों का साग, देसी घी और मक्खन के साथ। वेलकम टू माय मंगला की रसोई। ये मैंने लिया सरसों का साग, पालक, बाथू और साथ में हरी मिर्च और टमाटर। साग काट कर मैंने धोकर कुकर में डाल दिया। पालक, सरसों, बाथू, इसको अच्छे से साफ करके धोया और धोने के बाद काट के फिर उसके बाद मैंने इसे कुकर में डाल दिया। साथ ही मैं अदरक, टमाटर और हरी मिर्च डाल दी। अदरक के पीस किए, टमाटर के पीस किए, हरी मिर्च साबुत डाल दी और उसके बाद इसे 10 मिनट के लिए सिम आंच पर उबलने के लिए रख दिया। अब 10 मिनट के बाद जब हम इसे कुकर खोलेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया होगा। इतने में अब हम अदरक, लहसुन और प्याज को काट लेंगे, हरी मिर्च भी काट लेंगे। टमाटर हमने बीच में डाल ही दिए थे। अब हमारा साग गल गया है, अब इसे हम अच्छे से मधानी से या प्रेशर से अच्छे से उसको मिक्स करेंगे। इससे ये थोड़ा खड़ा खड़ा रहेगा, मिक्सर में एकदम पिस जाता है चटनी की तरह, पर ऐसे करने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। हल्के हल्के से स्किन से पत्ते होते हैं। अभी हमारा बन के तैयार हो गया है, मिर्च भी अच्छे से पीस गई है उसमें, अदरक भी और साग तो पीस ही गया है। तो अब हमने पैन रखी है गैस के ऊपर, उसमें हमने जो तड़का के लिए सामान तैयार किया है, अदरक, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, वो डालेंगे। इसमें 2 चम्मच घी, देसी मक्खन भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं रिफाइंड। अब इसमें मैंने लिया है घी और इसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया। फिर जो मैंने प्याज और अदरक काटी थी वो मैंने इसमें गर्म घी में डाल दी है और इसे अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक वो हल्की सी ब्राउन हो जाए। प्याज साथ में नहीं डाल रही, प्याज बाद में डालूंगी जब ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाएगा। अब मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब और उसके साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे बेल आइकॉन दबाने से होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाती है कि आपको मेरी नई रेसिपी पहुंच जाए। अभी अच्छे से हो गया, मैंने इसमें प्याज भी डाल दिया है। और ये मैं मक्की का आटा ले रही हूँ आलन बनाने के लिए, आलन से टेस्ट आ जाता है। तो मैंने मक्की का आटा लिया है, उसे अच्छे से पानी में मिक्स करके और फिर उसको साग में मिक्स कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। रेसिपी को लाइक करें और साथ में एक बढ़िया सा कमेंट करें। ये मक्की का आटा अपने आप जब हम छोंक में डालेंगे और पकाएंगे तो एकदम पक जाएगा। ये लोग बेसन भी डालते हैं। अब मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है, हरी मिर्च डाल के मैं अच्छे से चला रही हूँ जब तक थोड़ी सी वो पक ना जाए मिर्ची। अब मिर्ची पक चुकी है, प्याज भी पक चुकी है, लहसुन भी पक चुका है, अदरक भी पक चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी साग।
घोटवा साग, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें डाला मैंने नमक टेस्ट अनुसार, मिर्च और नमक स्वाद अनुसार लेना चाहिए, जितना आपको चाहिए, तो मैंने उसी हिसाब से लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको मैंने ढक के रख दिया सिम आँच पर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद बीच बीच में उसको मिलाते भी रहना है, क्योंकि नहीं तो नीचे कहीं लग ही ना जाए। अच्छे से खद्दा दे लिया, इसको उबाल लिया। अच्छे से तैयार हो गया है ये। अब इसे मैंने मक्की की रोटी बनाई थी और ये सरसों का साग हमारा बनके तैयार हो गया। चैनल को लाइक, बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब।